विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं लच्छी राम सलीम की लिखी झलकी सेवक राम, निर्देशक गुरमीत रामलमीत। भाई गार से आज फिर सुबह हो गई। ये सुबह भी पता नहीं क्यों हो जाती है। आदमी चैन से सोए, बस काम काम और काम। ऊपर से साहब की डांट, मेम साहब की चिक चिक, और हाँ वो बिट्टो रानी की कंजूसी। बाई गार्ड से सेवक राम, ओ सेवक राम, अरे कहाँ मर गया, उठा नहीं क्या अभी तक? कमबख्त कहीं का, पैसे तो पहली को मांगने नहीं भूलता, बीच में 100 अलग, और काम डकेगा नहीं। आया साहब, बाई घाट से सोने भी नहीं देते। सेवक राम, एक कप चाय बना लाना। जी साहब। लो साहब चाय। पर साहब साहब एक बात आपसे कहूं, साहब जी वो शर्मा जी है ना ऊपर वाले? हाँ। वो उनका नौकर कह रहा था कि स्कूल की बिल्डिंग के लिए उसके मालिक ने दिल खोल कर चंदा दिया, पर तेरे मालिक कंजूस है, मक्खी चूस है। ऐसा कहा उसने? बाई गार्ड से साहब जी, मैं कंजूस हूँ सेवक राम। जी साहब। क्या? जी 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 नहीं साहब, आप कोई, आप कंजूस थोड़े ही है ना, आप तो दानवीर कर्ण है। लाइए 100 रुपए। 100 रुपए? हाँ साहब जी, सिर्फ 100 रुपए। पर 100 रुपए किस लिए और क्यों? साहब अगर आप इसी तरह सवाल करते रहेंगे और मैं हर सवाल का जवाब देता रहूंगा तो फिर मैं काम किस वक्त करूंगा? सेवक राम, तेरा नाम ही सिर्फ सेवक राम है, लेकिन तुम काम दो पैसे का नहीं करते हो, बस बात में से बात निकाल कर बातें करते रहते हो। साहब जी मुझे बड़ा दुख है कि मैंने ऐसी बात कर दी जिससे आपका दिल दुखी हुआ है। तो फिर बोलने से पहले क्यों नहीं सोचा करते? साहब सोचकर ही तो बात करता हूं, पर जब, चलो छोड़ो जी, नहीं तो आप कहेंगे कि मैं बेकार की बातें करके समय बर्बाद करता हूं। अरे तुम अपने दिल की बात कह दो ना, क्या कहना चाहते हो? ना साहब अब नहीं, मैं डरता हूं कि आप मुझे डांटेंगे, क्योंकि बात करके मैं अपना टाइम खराब करूंगा। अरे जल्दी कहना जो कहना चाहता है। साहब मैं कह रहा था कि अगर शर्मा साहब फिर कभी आपको कंजूस कहें तो मैं उनको क्या जवाब दूं? अरे शर्मा की ये मजाल की वो मुझे कंजूस कहे, वो अपने आप को समझता क्या है? वो अपने आप को बड़ा दानवीर समझते हैं साहब जी, वो तो कहते हैं कि वो नौकरों को ऐसे ही खुश होकर 100-100 रुपए देते हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता। मैं कब कहता हूँ कि हो सकता है, क्योंकि ये तो मैं जानता हूँ कि मेरे साहब के अलावा कोई दूसरा आदमी खुले दिल का हो ही नहीं सकता। अब तुमने ठीक कहा। खैर शर्मा से तो मैं बाद में निपट लूंगा, अब मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। तो फिर साहब अब मुझे क्या हुक्म है? हुक्म क्या होना है, तुम जाकर अपना काम करो। पर साहब 100 रुपए का क्या हुआ? तुम्हें 100 रुपया चाहिए ना? जी साहब। अरे दबी आवाज में क्यों कह रहे हो, 100 क्या, तुम चाहे तो 200 ले लो। नहीं साहब अभी तो सिर्फ 100 ही चाहिए। ये ले। शर्मा जी तो सिर्फ गप्पे ही मारते होंगे, मैं तो नहीं समझता कि वो आपकी तरह ऐसे ही 100-100 रुपए निकाल कर अपने नौकरों को देते होंगे। ये ले, पर हाँ बता देना सबको। अच्छा साहब जी चिंता तो करो नहीं, सेवक राम है मेरा नाम, शर्मा जी के नौकर का करूंगा मैं जीना हराम। आप करो आराम, मैं लाया आपके लिए दूध डालकर और उसमें बादाम। अरे नहीं नहीं अभी मैं जा रहा हूं। भाई गार्ड से ऐसा बेवकूफ साहिब बड़े नसीब वालों को मिलता है। अब खरीदूंगा मैं नया कुर्ता, आज सुबह का मुहूर्त तो हुआ, अब दूसरे विभाग को देखूं।
पैसा बड़ी बुरी चीज है भाई गार्ड से सुबह सुबह किस किस का मुंह देखना पड़ता है। मेम साहब के लिए चाय लेकर जाता हूं। मेम साहब चाय। हाँ रख दे, यहाँ रख दे। मेम साहब वो पड़ोस वाली रेखा मेम साहब है ना? हाँ हाँ, क्या हुआ? वो क्या बहुत खूबसूरत है। क्या क्या बुढ़िया के बाल रंगने से बुढ़ापा छुप जाएगा? भला तुझसे किसने कहा? मैं नहीं बता सकता मेम साहब। तुझे बताना ही होगा मेम साहब। वो क्या है कि मेरी मेरी कमीज फट गई है। उफ हो साहब की ले लेना तू। बता कि तुझे किसने बताया? मैं मेम साहब मुझे 50 रुपए चाहिए थे जरा वो। ओहो ये ले। पर अब बता तो सही। हाँ हाँ वो मैं मेरा मतलब साहब। क्या क्या साहब ने ऐसा कहा? हाय हाय, ये सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए? मैं मर क्यों नहीं गई? अरे मेम साहब तंग आ गई, मैं तो तंग आ गई इन झगड़ों से। मेम साहब मैं तो नहीं नहीं सेवक राम, बहुत हो चुका अब। अब तो पानी सर पर चढ़ गया, अब तो मेरे इस घर में गुजर नहीं। आप यूं ही मेम साहब। अरे 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 क्या हुआ? नहीं नहीं साहब, वो क्या है, वो क्या है कि हाँ हाँ साफ साफ क्यों नहीं बोलता? सुन लो जी, अब बहुत साथ रह लिए, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। अरे हाँ भगवान, लेकिन हुआ क्या? मैं मायके जा रही हूँ, समझे? अच्छा तो हम भी चले तुम्हारे संग प्रिय। आप क्यों जाएंगे, रहिए यहीं अपनी पड़ोसन के साथ। और हाँ बेटी को भी रखिए अपने साथ, खूब मिलेगी तिकड़ी आपकी। हाँ लगता है यहाँ मेरी बातें हो रही हैं। देख लो अपने पापा को, इनके बारे में सेवक क्या क्या बता रहा है। ओह सेवक, आप इसके कहने में मत आइए, ये तो जरूर घर में झगड़ा करवा के ही रहेगा। ओहो बिट्टू रानी आ गई, हमारा क्या, हम तो चले रसोई घर में। सेवक राम तुम हो तो इतने अच्छे, पर तुम घर में सबको लड़ाते क्यों रहते हो? बिट्टो रानी वो नहीं, खैर छोड़ो, वो है ना तुम्हारा हीरो। सेवक राम तुम उस दिन भी माँ के सामने हीरो की बात कर रहे थे तुम। हाँ बिट्टो रानी मुझसे गलती हो गई, ये निगोड़ी जबान का पता ही नहीं चलता कब फिसल जाती है, पर अब नहीं फिसलेगी। जरा एक नई फिल्म लगी है वो देखूंगा। सेवक राम तुम्हें शर्म नहीं आती पैसे मांगते? जाओ नहीं देती। बिट्टो रानी क्या मैं मेम साहब को बता आऊं कि आपको बेटी के लिए लड़का ढूंढने की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि तुमने खुद ही ढूंढ लिया। तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ये नहीं कर सकते। बाई गॉड से फिल्म बड़ी अच्छी है, ये लो, माँ से कहकर तुम्हारी छुट्टी ना करवाई तो। छुट्टी ना करवाई तो By God से इन कंजूसों के बीच तो अब रहा नहीं जाता। ऊपर वाले अब तो उठा ले मुझे। पैसा भी भगवान ने क्या चीज बनाई है, एक एक पैसे के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। पर अब किसी से क्या कहकर मांगूं समझ में नहीं आता। सेवक राम, अरे ओ सेवक राम, क्या करूं? अच्छा हाँ एक बात सूझी, पर रोना पड़ेगा इसके लिए तो। आया मेम साहब। अरे अरे सेवक राम क्या हुआ, बोलो तो क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? उफो
बताओ ना क्यों रो रहे हो, जैसे तुम्हारा कोई भगवान ना करे मर गया हो। हाँ मैम साहब, ऐसा ही हो गया मेरी मौसी को। हैं? वो तो पिछली बार मरी थी ना। अच्छा, आपको तो पता है। अरे साहब के सामने गिड़गिड़ाओ, शायद उनको ना पता हो। अरे भाई, इस बार कौन मर गया है सेवक राम का? जी वो मैं कह रहा था कि आज तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। अब बोलो सेवक राम, कैसी रही? अब कसम खाता हूँ, आज के बाद मौसी की अब कभी नहीं करूँगा। तो अब मौसा की बारी है क्या? मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई है और आप हंस रहे हैं भाई गार्ड से। तो फिर हेरा फेरी से पैसा ऐंठना बंद क्यों नहीं कर देते हो सेवक राम? साहब, सेवक राम हूँ ना, सेवा करना मेरा काम है। और सेवक राम साथ साथ दुगना तिगना मेवा पाना भी तुम्हारा काम है क्या? सेवक राम, अभी आपने लच्छी राम सलीम के लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे गुरमीत रामलमीत। यह हमारे आकाशवाणी शिमला केंद्र की प्रस्तुति थी।